अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी के शुभारंभ से पहले परंपरा के मुताबिक गिरी नदी के तट पर शाही परिवार के सदस्यों ने देवा अभिनंदन की परंपरा को निभाया। जम्मू कोटी से मां रेणुका से मिलने पहुंचे भगवान परशुराम की पालकी का अभिनंदन सबसे पहले शाही परिवार के सदस्य कंवर अजय बहादुर सिंह ने किया। देवा अभिनंदन मौके पर शाही परिवार के सदस्य और पूर्व विधायक कंवर अजय बहादुर सिंह ने गिरी नदी के तट पर भगवान परशुराम की पालकी का जोरदार अभिनंदन किया और पालकी को कंधा देकर परंपरा निभाई, साथ ही पूजा अर्चना भी की गई। इस दौरान ढोल नगाड़े के साथ रेणुका घाटी भगवान परशुराम के जयकारों से गूंज उठी। इसके बाद पालकी ददाहू सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में पहुंची। आज बड़े हर्ष का विषय है। सबसे पहले तो मैं आपको सबको बधाई देता हूं। आज जो पवित्र मिलन माँ और पुत्र का हो रहा है, भगवान परशुराम और माँ रेणुका जी का, और उसके साथ ही ये बड़ी खुशी की बात है कि जो पुरानी परंपरा चली है और चली आ रही है, जिससे कि पहले रियासत के समय में महाराजा सिमोर खुद पालकी को का यहाँ स्वागत करते थे, और अगर खुद नहीं आ सकते थे तो अपने परिवार के ही किसी सीनियर सदस्य को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ भेजते थे, और अपने जो कुल गुरु हैं परशुराम जी हमारे कुल गुरु हैं, और सदियों से ये प्रथा चली आ रही है। इसका निर्वाह आज भी जो सिरमौर का पूर्व राज परिवार है वो बड़े आदर के साथ भगवान परशुराम का यहाँ स्वागत करता है तथा विदा करता है। पहले रियासत की फ़ौज की टुकड़ी भी आती थी, पुलिस भी आती थी, और बैंड भी आता था, और सब कर्मचारी वगैरह, सीनियर कर्मचारी, जूनियर कर्मचारी, सब आकर के इनका परशुराम देवता का स्वागत करते थे। और ये परंपरा भगवान परशुराम माँ रेणुका के आशीर्वाद से हम सब परिवार यहाँ आकर उस प्रथा को अभी भी निभा। गौरतलब है कि शाही परिवार के सदस्यों द्वारा गिरी नदी के तट पर बरसों से चली आ रही परंपरा आज भी कायम है। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।